दोस्तों नमस्कार। एक बेहद शर्मनाक खबर है, इतनी शर्मनाक कि मैं खुद तय नहीं कर पा रहा हूं कि वो खबर आप तक कैसे पहुंचाई जाए। बीजेपी के एक प्रदेश उपाध्यक्ष पर वैश्यालय चलाने का आरोप लगा है, और वैश्यालय कैसा? मासूम बच्चे और बच्चियों का यौन शोषण। दोस्तों माफ कीजिएगा, उस बीजेपी नेता के फार्म हाउस से मासूम बच्चे जिस हालात में मिले हैं उसे बयान करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मेघालय के बीजेपी उपाध्यक्ष हैं बर्नार्ड एन मारक। पुलिस ने वैश्यावृत्ति की सूचना पर जब उनके फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहां उन्हें 6 मासूम मिले जिनका जबरन यौन शोषण किया जा रहा था। 4 नाबालिग लड़के और 2 मासूम लड़कियां, 12 से 15 साल के बीच उनकी उम्र बताई जा रही है, उनका जबरन यौन शोषण किया जा रहा था वहां। उन मासूमों सहित कुल 73 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी उपाध्यक्ष के वैश्यालय का रैकेट कितना बड़ा था। उस नेता के फार्म हाउस में छोटे बड़े कुल 30 कमरे हैं और सभी कमरों में वैश्यावृत्ति का ही काम चलता था। पुलिस को बर्नार्ड एन मारक के फार्म हाउस से 400 शराब की बोतलें भी मिली, 500 से ज्यादा कॉन्डोम भी मिला है। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद सिंह ने इस बाबत कहा कि खुफिया सूचना के आधार पर आतंकवादी से नेता बने मरक के स्वामित्व वाले फार्म हाउस रिंपू बागान पर छापा मारा गया। हमने 6 नाबालिग बच्चों को बचाया जो रिंपू बागान के गंदे कमरों में बंद पाए गए। इसे बर्नार्ड एन मारक और उनके सहयोगी वैश्यावृत्त के इरादे से वैश्यालय के रूप में चलाते थे। ये खबर जो है वो सारी मीडिया में दिखाई नहीं गई क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की खबर, भाजपा के खिलाफ की खबर थी। ये खबर कहीं आपको देखने को भी नहीं मिली। और पुलिस के मुताबिक उन्हें शक है कि मारक के फार्म हाउस में ही फरवरी में एक लड़की का यौन शोषण किया गया था। उस मामले को लेकर फरवरी 2022 से मामला दर्ज किया गया। पुलिस उस केस के एंगल से भी जांच कर रही है। खुद मारक ने अपनी सफाई में कहा, जब वो पकड़ा गया तो उसने कहा कि उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए उसे बदनाम किया जा रहा है, लेकिन अपने फार्म हाउस में चल रहे वैश्यावृत्ति के रैकेट को लेकर वो खामोश है। पुलिस ने उनके फार्म हाउस से वैश्यावृत्ति में लिप्त 73 लोगों को गिरफ्तार किया है, 6 मासूमों को भेड़ियों के चंगुल से छुड़ाया है, 400 से ज्यादा शराब की बोतलें और 500 से ज्यादा कॉन्डम बरामद किए गए हैं। बीजेपी नेता इस पर खामोश हैं, चुपचाप हैं। बस वो यही कह रहे हैं कि उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बर्नार्ड एन मारक पहले आतंकवादी थे, बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और बीजेपी ने उन्हें मेघालय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। पुलिस ये जानने में जुटी है कि वैश्यावृत्ति का ये धंधा उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद शुरू किया है या वो पहले से इस धंधे में लिप्त हैं और बीजेपी का संरक्षण मिलने के बाद उनका ये धंधा इतना बड़ा हुआ। सवाल ये भी है कि उनके धंधे में और कौन कौन लोग शामिल है, उनको राजनीतिक संरक्षण किस लेवल का मिला हुआ है। सवाल कई और भी हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सवालों पर खामोश है। मेघालय पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है। जैसे ही कोई नई जानकारी आती है मैं उसे लेकर आपके पास फिर आता हूँ, लेकिन ये खबर अफसोस की बात है कि न प्रिंट मीडिया और न ही टेलीविजन मीडिया जो कि दिल्ली चलाते हैं वो सुर्खियों में बना रहा, लेकिन हम इस खबर पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे। मेघालय की ये जो सबसे बुरी घटना है इस पर आपको लगातार बताते रहेंगे। नमस्कार।